अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 6 आसान तरीके बताता हूँ। 100% आपके लिए जरूर काम आएंगे। दोस्तों, अपने सपनों को पाने के लिए अपने विल पावर और बड़े सपनों के साथ आपको एक गेम चेंजर बनना होगा। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपने सोच को बेहतर करने की जरूरत है आपको। अब चिंता की कोई बात नहीं है, समझो आपको यह मिल गया है। आपके सपने कितने भी कठिन क्यों ना हो, यह हासिल करने के लिए बहुत बड़ा नहीं है। अपने सपनों को साकार करने की तैयारी करते समय शांत, आत्मविश्वासी और एकजुट रहने के लिए इन सिंपल स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले नंबर पे बड़े सपने देखना शुरू करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या हो, क्या कर रहे हो। फर्क तब पड़ता है कि आप 5 साल में खुद को कहां देखते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं है कि किस रास्ते में चलना है, तो पहले रास्ता बनाओ। और कभी भी खुद पर लिमिटेशन ना लगाएं। अपॉर्चुनिटी बहुत है, लोगों से हटकर सोचें और बड़े सपने देखना शुरू करें, क्योंकि आपका भविष्य आपको बनाना है। दूसरा, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। हाँ, बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलना ज्यादा कठिन है। अगर आपके पास क्लियर पिक्चर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो एक विजन बोर्ड पर अपने टारगेट का लिस्ट बनाना शुरू करें, जिससे आपकी धुंधली इमेजिनेशन थोड़ा और सिस्टमेटिक दिखने लगेगा। विजन बोर्ड आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इंस्पायर करने में हेल्प करता है। विजन बोर्ड आपको गाइड करता है, इसलिए विजन बोर्ड में लिस्ट बनाना शुरू करें। तीसरा, ब्रेक जरूर लें। स्टूडेंट पर इतना प्रेशर होता है कि वो अपने लाइफ को सही दिशा और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार काम करते रहने का उस पर प्रेशर बहुत होता है, जिससे वो धीरे धीरे टायर्ड होने लगता है। इसलिए खुद को बीच बीच में रेस्ट जरूर दें, जिससे आप खुद को रिफोकस और रिचार्ज करके वापस से अपने काम या स्टडी को तेजी से कर सकते हैं। चौथा, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। खुद की तुलना कभी भी किसी से ना करें। हो सकता है कि आपके दोस्त या जान पहचान के लोग आपसे अच्छा कर रहे हों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनसे कम या कमजोर हो। यार, भगवान ने हमारे हाथ के उंगलियों तक को भी बराबर नहीं बनाया है। हर उंगलियों में अलग ही क्वालिटीज है, ठीक वैसे ही आपके अंदर भी अलग क्वालिटीज है। अपने छोटी से छोटी जीत का जश्न मनाने से आपको अपने अगले चैलेंज को फेस करने में अंदर से एनर्जी मिलेगी। पांचवा, लिस्ट बनाएं। एक दिन में आपको जो कुछ भी पूरा करने की आवश्यकता होती है, उस पर नजर रखना उतना ही आसान नहीं होता जितना लगता है, खासकर जब काम की लिस्ट बड़ी हो, जिससे कोई भी काम सही समय और डेट पर नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा अगले दिन का जो भी काम है, उसका लिस्ट बनाकर 3 भाग में बांट दे, बड़ा, मध्यम और छोटा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटे काम पहले करने के चक्कर में बड़े काम के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। छठवां, छोटी छोटी असफलताओं से निराश ना हो। आपके भविष्य के लिए आपके अलावा कोई भी अच्छा सोच ही नहीं सकता है, इसलिए छोटे छोटे फेलियर से कभी भी निराश मत होना, क्योंकि फेलियर से सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो दोस्तों, आज अपने 6 तरीकों को जाना जिससे आप खुद को सफल बना सकते हो। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, औरों के कहने पर तो शेर भी सर्कस में नाचते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं जीरो मोटिवेशनल आपके जीरो से हीरो बनने तक के सफर में आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।